नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज का जो हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज़ का कार्यक्रम है, ये 107वें नंबर का कार्यक्रम है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आज तक, या मेनली इस सीरीज में आज तक 646 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 647वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 से 4 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इसी कार्यक्रम में किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया, आज के इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली जो होगी ये 647वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है और ये अंकित ठाकुर जी की आईडी से अमित कुमार जी की जन्म कुंडली है। तो अमित कुमार जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 4 अक्टूबर 1992। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है सुबह के 7:50 और जन्म स्थान है दिल्ली। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी धनु चल रही है, धनु है। राहु की महादशा में राहु का अंतर, राहु आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में राहु श्रेष्ठ फल प्रदाता ही बनते हैं, चलित कुंडली में भी वो तृतीय भाव में है। 0 अंश पर होने के चलते बाल्यावस्था में और तृतीय भाव में जो बैठे हैं ये गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु आपकी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। लग्नपति का लग्न में होना बढ़िया है, इससे राहु की दशा में परेशानी उतनी तो नहीं होनी चाहिए, परंतु राहु की दशा में राहु का अंतर ये कष्ट प्रदान करता है। वैसे भी राहु आपके मूल नक्षत्र में बैठे हुए हैं, नवांश में वो मंगल के घर में, मुझे लगता है कि ये मानसिक परेशानी आपको देंगे। प्रश्न, मेरे को बहुत मानसिक आपने लिखा ही हुआ है कि मेरे को बहुत मानसिक परेशानी है, 7-8 साल का रिलेशनशिप एकदम 3 महीने पहले अलग हो गया, क्या होगा, मेरी हेल्प करें। अच्छा, 3 महीने पहले, मतलब राहु की दशा में राहु का अंतर ही चल रहा था उसी समय पे ये हुआ है। पता नहीं प्रश्न आपने कब दिया था, हो सकता है उस समय पर आपको शनि की 7.5 की अंतिम ढैया इत्यादि चल रही हो, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका प्रश्न दिया होगा आपने, तभी अभी इसका चयन हो रहा है। देखिए, रही बात रिलेशनशिप की, तो शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं और बुध शुक्र की युति आपके लग्न पर है, साथ ही साथ नवमांश में भी ये शुक्र उच्च के हैं, लेकिन आपकी कुंडली में प्रेम भाव का स्वामी शनि है, वो स्वराशि का है 4थे भाव में, लेकिन अपने से 12वें गया है। ये मैंने पहले भी कई बार इस सूत्र के विषय में चर्चा की है कि पंचम पति अगर 4थ भाव में जाकर के बैठे तो ये प्रेम में धोखा होने को प्रदर्शित करते हैं, एकाएक ये टूट जाता है प्रेम संबंध, तो वो आपकी कुंडली में है। लग्नगत स्वराशिस्थ शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना, शुक्र आपके पार्टनर का, मेनली वाइफ या गर्लफ्रेंड के कारक के रूप में जाना जाता है, और शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक है, तो पार्टनर से विच्छेद करा देना ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है। और देखिए, वैसे तो सप्तम पति जाकर नवम भाव में बैठे थे और नवम पति लग्न में थे, प्रेम विवाह के योग बनते थे, परंतु पंचम पति 4थ में गए और शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ गई, केतु की दृष्टि पड़ गई, साथ ही साथ जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे उनकी जन्म कुंडली में भी कुछ बुरी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आया है। ऊपर से राहु की महादशा में राहु का अंतर ही आपको मानसिक कष्ट, रिश्तों का कष्ट देने वाला था, तो वो आपको इसने दे दिया। अब आगे क्या होगा ये आपने पूछा है, तो मुझे लगता है कि राहु की दशा में गुरु का अंतर प्रारंभ होगा 22 दिसंबर 2023 से, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गुरु बैठे हैं जो कि सूर्य का नक्षत्र है। मुझे लगता है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा होप मत रखिए। 92 का आपका जन्म, 31 साल की एज आपकी हो जाएगी इस वर्ष। मुझे लगता है कि जैसे ही राहु में गुरु का अंतर प्रारंभ होता है आप अपने विवाह के विषय में विचार करिए, अगले वर्ष तक आते आते आपको विवाह करना चाहिए, भले ही आप माता पिता की मर्जी से करें, परंतु अब आपको विवाह के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि पुराने वाले जो केस में पंचम पति आपका वक्री ज़रूर है और नवमांश कुंडली में वो सप्तम भाव में जाकर के बैठा भी हुआ है, तो संभावनाएं तो बनती हैं, परंतु मैं आपको वेट करने की सलाह नहीं दूंगा। तो जैसे ही ये वर्ष को बीत जाने दीजिए, राहु में राहु का अंतर भी निकल जाएगा, फिर गोचर भी आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल तो है ही,
मुझे लगता है कि आपको बस अब आगे बढ़ना चाहिए, अब यहाँ पर समय व्यर्थ अपना मत करिए। शिव जी की आराधना करिए, शिव जी पर नित्य दुग्ध अर्पित करिए। आप घर के आसपास कोई भी शिव जी का मंदिर हो तो जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, उसके बाद साफ जल से अभिषेक करिए। ये उपाय आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति प्रदान करेगा। और माता पिता से कहिए कि रिश्ता ढूंढें, आपके जन्म स्थान से साउथ दिशा से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर आप विवाह के लिए आगे बढ़ें। अब रुकना या वेट करना या बैठना ठीक नहीं है। देखिए क्या होता है, इस विषय को भी मैं एक बार अभी थोड़ा समझा ही देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का आज के समय पर कंसर्न है कि आप देखिए, जब आप पति और पत्नी की कुंडली देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से कपल्स की कुंडली को देखा है, जो हस्बैंड और वाइफ है जिनका विवाह हो चुका है, उनकी कुंडली में बहुत से ग्रह योग मिलते जुलते आपको देखने में दिखाई पड़ते हैं। ग्रह योग, ग्रह नक्षत्र, ग्रहों के नक्षत्र, ग्रहों के तत्व आपको बहुत कुछ मिलते जुलते दिखाई पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? पति और पत्नी जो इस जीवन में बन रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ प्रारब्ध में संबंध जरूर रहा है, पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज रहे हैं, जिस वजह से उनका आज विवाह हुआ है। अब रही बात रिलेशनशिप की, तो आप जुड़ते भी उसी पर्सन से हैं जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग रहता है, और रही बात ब्रेकअप होने की, अलगाव होने की, तो वो कुछ पेंडिंग कर्माज रहते हैं जो कि फुलफिल हो चुके रहते हैं, और उसके बाद वो अलगाव हो जाता है। वो अलगाव होना आपको काफ़ी हद तक मानसिक रूप से इस जीवन में परेशान जरूर कर देता है, परंतु वो आपको मजबूत बनाने के लिए ही होता है। और चलिए, हालांकि उस विषय में तो आपको मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि जो साथ है वहीं तक हो, ये तो अब दोनों की जन्म कुंडली को देखने के बाद ही पता चलेगा कि आगे कुछ रिश्ता बाकी है या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि राहु की दशा है, और फिर उस चक्कर में वापस जाएंगे तो रिश्तों का कष्ट दोबारा से उत्पन्न आपके साथ में हो सकता है। जब भी आपका विवाह हो, बाकायदा कुंडली मिलान करके होना चाहिए। चंद्रमा मंगल आमने सामने है, चंद्र कुंडली से आप मांगलिक हैं, तो बाकायदा कुंडली मिला करके ही आप विवाह करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो जन्म कुंडली है, नोबेलेश्वरी जी की ये जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ से आप मिला लीजिए, अगर नाम में मुझसे गलती हो गई हो तो 29th of July 1993, 5:45 AM, सुबह के 5:45, उड़ीसा का इनका जन्म है। झारसुगुड़ा, अगर ये डिस्ट्रिक्ट होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो मैंने तो इस जगह के बारे में पहली बार सुना है। ले लिया है अब इसने, कर्क लग्न की कुंडली है और राशि आपकी वृश्चिक बनती है, तो जल तत्वी लग्न, जल तत्वी राशि, शादी कब होगी प्लीज़ बताएं सर? वृश्चिक राशि आपकी है, तो विवाह के योग अभी तक तो चल रहे थे, लेकिन अब कमज़ोर हो गए हैं। सप्तम पति अष्टम भाव में बैठे हैं, जाकर के शनि नवमांश कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, सप्तम पति शनि ही बन जाते हैं, शुक्र पर दृष्टि नहीं दे रहे हैं। गुरु की स्थिति को देखा जाए तो उनकी दृष्टि है सप्तम स्थान पे। शुक्र की दशा में राहु का अंतर वर्तमान समय में, राहु पंचम भाव में बुध के नक्षत्र में आपके बैठे हैं, और शुक्र में गुरु का अंतर आपको प्रारंभ होगा 2025 के मई के बाद में। गुरु का गोचर जन्म कुंडली के षष्ठ में हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले वर्ष में आपको प्रयास करना चाहिए, जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 1st of May 2024 के बाद में, गुरु राशि परिवर्तन करके आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे, जब वो वृषभ में आएंगे, तब आपके विवाह के योग ज़्यादा प्रबल बनेंगे। और दशा के हिसाब से तो तब भी नहीं है, हालांकि शुक्र का प्रत्यंतर आएगा, शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मुझे लगता है उसी समय पर आपको प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर में मई मंथ के बाद में विवाह के योग बन रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास करें गुरुवार के दिन, या आप रोज करिए इसको गुरुवार से प्रारंभ करके। नित्य जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के स्नान करिए, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, और गुरुवार से ही प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। संभव हो तो घर के आसपास कोई मंदिर देख लीजिए, वहां अगर आप रोज दर्शन करने के लिए जाएं तो ये भी आपके गुरु को काफी हद तक बल प्रदान करेगा, तो इस उपाय को आप करें। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये संदीप मारतिया जी की है, तो संदीप जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 3rd of July 1991, 7:45 AM, राजकोट गुजरात। कर्क लग्न है, कुंभ राशि है, बुध की दशा आपको चल रही है। शादी कब होगी और अच्छा टाइम कब आएगा? राहु केतु सूर्य के ग्रहण की शांति करवाया गया है, मंगल ग्रह की शांति करवाया गया है। राहु केतु सूर्य के ग्रहण की शांति कराई है, वो तो ठीक है, करा दी है तो फिर अच्छी बात है, और मंगल की शांति कराने की ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं, पता नहीं क्यों कराई है।
सप्तम भाव में शनि बैठे हैं आपके स्वराशि के होकर के, जो कि आपके विवाह को विलंब कराएंगे, चाहे आप कितनी भी शांति कराएं, ये लिखा हुआ है तो ये होगा अवश्य। सप्तम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये दाम्पत्य विच्छेद की सूचना को प्रदर्शित करते हैं। शुक्र जाकर के द्वितीय भाव में 0 अंश पर बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि से धृष्ट हैं, तो फलस्वरूप ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनते ही बनते हैं। और राशि आपकी जो कुंभ चल रही है, कुंभ राशि पर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि से गुरु तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, फलस्वरूप 2023 में ही आपके विवाह के योग तो चल ही रहे हैं, आपको प्रयास अपने विवाह का करना चाहिए। बुध की दशा है, बुध लग्न में बैठ करके सप्तम स्थान को देख रहे हैं और नवमांश कुंडली में देखा जाए तो बुध जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध का 12वें होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12वें का स्वामी जरूर जाकर के सप्तम में है आपकी कुंडली के नवमांश में। मुझे लगता है कि 2023 में आपको प्रयास करना चाहिए, मिली 30 जून के बाद इससे ज़्यादा प्रबलतम योग बन रहे हैं आपके विवाह के लिए, तो आप प्रयास करिए। अपने जन्म स्थान से वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने के योग है, तो पश्चिम दिशा से ही आप प्रयास करें, क्योंकि शनि विलंब तो कराएंगे ही कराएंगे और बिना कुंडली मिलाए अगर विवाह होगा तो ये विवाह विच्छेद भी कराएंगे, तो बाकायदा कुंडली मिला करके ही आपका विवाह जो है वो होना चाहिए। गुरुवार का व्रत करें वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, अशोक सिंह जी की ये जन्म कुंडली है, तो अशोक सिंह जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। May 1985, 15:25 बुधौन उत्तर प्रदेश। कन्या लग्न के हैं आप, मेष राशि है आपकी। मैं एडवोकेट हूँ प्राइवेट, मेरा करियर एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा फ्यूचर केस में? लाभेश अष्टम में हैं और धनपति सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, गुरु 22 अंश पर हैं, लाभ भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं और वो गुरु स्वतः शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है फाइनेंशियल कंडीशन तो बढ़िया दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लग्नपति अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, मैनेजमेंट आपका जरूर थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा पैसों को लेकर के, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि है धन भाव पर, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल कंडीशन तो कुल मिला करके ठीक है। सूर्य मंगल दोनों का भाग्य भाव में होना, ये आपसे मेहनत भी कराएगा धन के लिए, तो बढ़िया है। और वकालत का फील्ड भी आपके लिए अच्छा है, बस राहु की दशा आपको चल रही है, राहु में चंद्रमा का अंतर ये मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा। और मंगल 22 अंश पर भाग्य भाव में बैठे हैं और सूर्य के षडबल में सबसे अत्यधिक बली होना, मुझे लगता है कि आप बहुत परफेक्ट फील्ड में हैं। और शनि की भी स्थिति कमजोर है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, पराक्रम भाव में है, वो कारक होते हैं वहां पर, ठीक है। मुझे लगता है कि कुल मिला के आपकी फील्ड भी ठीक है और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ही दिखाई पड़ रही है। गवर्नमेंट में होने का योग तो था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आपने प्रयास नहीं किया है, जो भी चीज़ें थी उसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट में होने का था, आपने प्राइवेट पूछा है। करियर आगे भी ठीक है, मानसिक अशांति बेचैनी ये आपके साथ में है चंद्रमा राहु की युति होने के चलते, तो इसके लिए क्या करिए, सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल उसमें काला तिल मिला लीजिएगा, ये शिव जी पर आप अर्पित करिए और उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए, चाहें तो बुध के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं या फिर गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए। और रही बात चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा का भी जो मंत्र है आप मेनली ओम चंद्रमा से नमः का जाप करिए नित्य एक माला, या फिर नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करिए, ये उपाय आपको मानसिक तौर पर काफ़ी शांति प्रदान करेंगे। तो यही कुछ उपाय हैं, बाकी फील्ड आपकी ठीक है और धन भाव की स्थिति भी लगभग लगभग ठीक है। व्ययपति नवम में बैठे हैं जा करके, तो जो आपके व्यय हैं वो अगर धर्म पर होंगे, अच्छे कार्यों पर होंगे, तो आपकी कुंडली में फाइनेंशियल कंडीशन को ओवरऑल अच्छा माना जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 4 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रोग्राम्स इस चैनल पर आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप स्क्रीन पर दिया हुआ है।